अज मैं थोड़े नाल शेयर करूँगी आलू गोभी की सब्जी लसण प्याज तो बगैर। ये मैं ले आ पाई आलू 1 किलो गोभी 3 टमाटर 5-6 हरिया मिर्चा ते अदरक। आलू छिल के धो के कट ले आ, गोभी भी चंगी तरह नाल साफ करके धो के रख ली है। टमाटर गैस ते सेक के छिलका उतार लिया। हरी मिर्च अदरक ते टमाटर दी प्यूरी बना ली आ। हुण मैं कढ़ाई विच थोड़ा तेल पा के लो तो मीडियम फ्लेम ते गोभी नू फ्राई करूँगी। गोभी नू असीं डीप फ्राई नहीं करना, इस करके तेल घट लिया आ। घट तेल दे विच घट सेक ते हौली हौली पकावांगे। जागरण ते भी इस तरह ही सब्जी बनाई जाती आ, ते दाल भी वो लसण ते प्याज तो बगैर ही बनाउंदे आ, पर उहदे विच डीप फ्राई करदे आ सब्जियां नू, असीं डीप फ्राई नहीं करना। गोभी नू असीं बहुत ज़्यादा नहीं पकाउणा क्योंकि बाकी ये सब्जी जदों बननी आ मसाले दे विच पकूगी। हुण इस तरह दी करके असीं गोभी तकरीबन हो ही गई आ, इहनू असीं कढ लवांगे। तुसीं वेख सकदे हो ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं ते वधिया पक गई आ। हुण मैं कढ़ाई विच थोड़ा सरों दा तेल पा के 2 तेज पत्ते पाए आ। इहदे विच मैं 5-4 मसाला पा दिता। हुण मैं इहदे विच कट्टे हुए आलू पा दिंदी हां ते घट सेक ते इहनां नूं वी चंगी तरह नाल पकाउणा आ। घट सेक ते सब्जी चंगी तरह नाल पक जाती आ, अंदरों बेक हो जाती आ। तेज़ सेक नाल सब्जी बाहरों तो सड़ जाती आ पर अंदरों कच्ची रह जाती आ। हल्दी पा दिती आ, हुण मैं इहदे विच प्यूरी पा दूंगी। हुण मैं इहदे विच टमाटर हरी मिर्च ते अदरक दी तैयार कीती हुई प्यूरी पा दिती आ। इहनू चंगी तरह नाल पकावांगे। गोभी दे डंठल भी मैं साफ करके कट के रखे हुए आ। तुहानू डंठल ना पसंद होण स्किप कर सकते हो, सानू पसंद आ असीं तद करके पा रहे हां। हुण मैं इहदे विच लूण पा के ते चंगी तरह हिला के इहदे विच डंठल भी पा दिंदी हां। डंठल पा के चंगी तरह नाल मिक्स करके ते इहनां नूं असीं पकावांगे क्योंकि डंठल ते आलू नूं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता आ। थोड़ी देर इहनां नूं पका के ते बाद च इहदे विच गोभी पावांगे आपां क्योंकि गोभी थोड़ा समां लैंदी आ पक्कण लग्गिआं। ते इहनां नूं असीं थोड़ी देर लई ढक के रख देवांगे कोई 4-5 मिंट वास्ते घट सेक ते। चार मिनट पकण तो बाद च मैं इन चेक किया ते नाले थोड़ा इहदे विच धनिया पाउडर पाया आ, थोड़ी जी कसर लगी आ इस करके मैं इनू थोड़ी देर लई होर रखूँगी 2 मिनट वास्ते। डंठल ते आलूआं नू ढक के रख दिंदे होर घट सेक ते। इहदे विच हल्की फ्राई कीती हुई गोभी पा दिंदी हां, इहनूं चंगी तरह मिक्स कर दूंगी ते गोभी पा के चंगी तरह नाल मिक्स कर देवांगे तां कि मसाले इहदे विच चंगी तरह रच जाण। थोड़ा जिहा इहदे विच पानी पा के ते इहनूं चंगी तरह नाल दिन लवांगे। इस तरह थोड़ी तेल दे विच फ्राई कीती हुई गोभी जिहड़ी आ ये मतलब ज़्यादा नहीं गलूगी, थोड़ी खड़ी खड़ी रहूगी। थोड़ा पानी पा के इहनू हुण असीं पक्कण लई रख दिता आ, घट सेक ते वधिया पक जाऊगी।
आलू चेक करके देखिया, मैं थोड़ा जहा सेक होर लाऊंगी ते धनिए नाल गार्निश कर देंगे आपां। बहुत टेस्टी सब्जी बनी साड़ी, तुसीं वी इहनूं ट्राई जरूर करना। उम्मीद करदी हां तुहानूं मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ट्राई करोगे तो सब्जी बहुत पसंद आऊगी। सो मेरे वीडियो नूं लाइक ते शेयर करना, चैनल नूं सबसक्राइब करना नहीं भुलना। बहुत बहुत मेहरबानी तुहाडी वीडियो वेखण लई ते शेयर करन लई।